Good afternoon, everyone. आज हम दोबारा फिर से उसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सेडिशियस। तो ये टॉपिक बेसिकली जेएनयू में जो भी घटना हुई 9 फरवरी को, उसके बाद आया है। तो कन्हैया कुमार जिनको की संदिग्ध पाया गया है कि उन्होंने देशद्रोह के नारे लगाए हैं और मतलब जो भी बाकी चीजें हुई हैं उसके बिना पर उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उन पे सेडिशन का चार्ज ठोक दिया गया है। सेडिशन क्या होता है, आई थिंक ऑलमोस्ट यहाँ सभी को पता है, लेकिन सेडिशन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी थी कि सेडिशन का चार्ज लगाने से जिस पे भी लगाया जाता है उसको संदिग्ध अवस्था में उस पर चार्ज नहीं लगाया जा सकता, कि वो संदिग्ध है इसलिए उस पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाए, क्योंकि जो देशद्रोह का मुकदमा या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होता है वो किसी इंसान को अंदर से तोड़ने के लिए बहुत मतलब बड़ा मुद्दा हो सकता है, वो किसी को डिमोरलाइज कर सकता है। इसके अलावा सेडिशन बेसिकली देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह नहीं बल्कि राजद्रोह के बिना पे बनाया गया, यानी जब आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हैं, इसमें देश की कहीं चर्चा ही नहीं की गई है, इसमें हर जगह स्टेट एंड गवर्नमेंट लिखा है कि अगर आप गवर्नमेंट से, जिस गवर्नमेंट को आपने खुद चूज किया है उसके खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप पे सेडिशन का चार्ज लगाया जा सकता है। और इसके अलावा कई ऐसी पुराने टाइम में भी या पहले में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं और बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स रहे हैं जिन पे सेडिशन का चार्ज लगा है। और अगर हम ये हिस्ट्री उठा के देखें तो अरुंधति रॉय और बहुत सारे ऐसे कार्टूनिस्ट हुए हैं, आर्टिस्ट हुए हैं, जो राइटर्स थिंकर्स इनके ऊपर हमेशा सेडिशन का चार्ज लगता है, जर्नलिस्ट के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगता है, आज कन्हैया कुमार एज ए स्टूडेंट इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस एंड ऑल भी हैं जो अपने भाषणों से दंगे भड़काते हैं, या फिर बहुत सारे अपने भाषणों से अगर वो सांप्रदायिकता को तोड़कर वो भड़काते हैं और अगर दंगे होने लगते हैं तो उनपे भी मेरे हिसाब से सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए। और सेडिशन का जो सेडिशन पूरा 124(1) है वो उसमें कोई भी चीजें अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है कि किस कौन से जुर्म में कौन सी मतलब उस पर कौन सा पनिशमेंट होगा। और ये जो सेडिशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आया है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये सेडिशन लॉ आईबीसी के तहत बनाया था तो गांधी जी ने भी इस बात को माना था कि ये जो सेडिशन लॉ है ये बेसिकली लोगों की यानी क्रांतिकारियों की आवाज को दबाने के लिए बनाया गया है। तो अगर सेडिशन का इतना ज्यादा यूज किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप सेडिशन जो पूरा लॉ है उसके जो प्रासंगिकता है और उसका जो पूरा ये लिमिटेशन एंड बाउंडेशन उसको आप खत्म करते हैं। इतनी ज्यादा हर एक को अगर किसी के खिलाफ बोल रहा है, अगर बोला कि किसी ने बोल दिया कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उन पे सेडिशन का चार्ज ठोक, तो ये एग्जांपल है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब, लेकिन आप किसी पर भी इस तरह हर बार उसी जो फ्रीडम जो भी अभी जेएनयू में घटा है इसके बाद दो तीन चीजें बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल हो जाती है। पहला जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके अलावा जो भी मीडिया ने जिस तरह से इस प्रकरण को हैंडल किया है उसने दो एक देशभक्ति बनाम देशद्रोही की भी जंग छेड़ दी है, यानी किसी को आप कहते हैं कि पहले तुम जय हिंद बोलो, अगर तुम जय हिंद नहीं बोलते हो तो तुम एंटी नेशनल हो और देशद्रोही हो। तो हम किसी के भी अंदर किसी को हम सर्टिफाई तो कभी कर नहीं सकते कि वो नेशनलिस्ट है या नहीं, और नेशनलिज्म एक भावना है जो किसी के भी अंदर जबरदस्ती हम नहीं लेके आ सकते हैं। नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट होने के अलावा एक बीच जो तटस्थ सिचुएशन होती है उसमें भी कोई इंसान हो सकता है जो न्यूट्रल हो, जिसको ना देश से बहुत ज्यादा प्रेम हो और ना वो देशद्रोही हो, तो उस सिचुएशन का भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से इस जो भी पूरे प्रकरण में जेएनयू के प्रकरण में अगर मीडिया ने इस पर हाई तौबा नहीं मचाई होती और इस नारे को सिर्फ इतना ज्यादा उसके वीडियोस वायरल नहीं किए होते, उसने इसके कारण को जानने की कोशिश की होती तो शायद ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता और तुरंत बहुत ही जल्दी कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी कर ली गई। तो ये एक तरह से मेरे हिसाब से मैं ये समझती हूँ कि ये एक मजबूत सरकार का तो उदाहरण बिल्कुल नहीं है कि अगर 10 बच्चे स्टूडेंट नारे लगा रहे हैं और आप तुरंत उस पर हाय तौबा मचा के आप उसको पीटने लग जाते हैं और मतलब अलग जो भी हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको संसार करती है ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। और मैं ये मानती हूँ कि जो सेडिशन का चार्ज है उसको बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करना चाहिए और साथ में फ्रीडम
मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी लिमिटेशन हो सकता है। मेरे हिसाब से आप सरकार के खिलाफ कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार आप देश के खिलाफ नारे नहीं लगाना चाहिए आपको। तो इसलिए मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि हर चीज की लिमिटेशन तय होनी चाहिए, और ये लिमिटेशन तय हमारी संसद और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वही करेगी। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाने बहुत ही जरूरी है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो।